मैं राइट चलूंगा, तू उसके राइट पे ही देना कैमरा। डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे, जो कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, और आपको नीचे दिखाते हैं कितना हाइट है, और ये देख सकते हो। तो दोनों साइड से आपको व्यू दिखाएंगे, ये देख सकते हो पानी का जो आवाज़ है ऊपर तक आ रहा है। यहाँ देख सकते हो कितने लगे हुए हैं, मतलब हमारे पहाड़ साइड में ऐसा होता है ना कि जब कोई कुछ भेंट करता है भगवान को, तो वो घंटी और चुंदी के रूप में करता है। तो मंदिर कुछ इस प्रकार है गाइस, यहाँ पे जो घंटियां बनी है यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम जा रहे हैं मासी चौकटिया अपनी बाइक से, जो कि यहाँ पे खड़ी है होंडा शाइन, और जो कि हमारे दोस्त है दो, जो लास्ट टाइम हमको रामनगर से अपने गांव लाए थे, राकेश जो ड्राइवर है, अपने खास भाई है वो। सो अभी हम जा रहे हैं उनके साथ, और एक है हमारे जो कैमरामैन है, वो बोलते हैं मेरे को ब्लॉगिंग में रिवील नहीं करना। तो देखते हैं आगे, अभी इन्होंने पेट्रोल भरा है, पेट्रोल पम्प दिखा सकते हो सामने। सो गाइस, जो पेट्रोल पम्प है ये यहाँ पे है, काफ़ी दूर है, मतलब 5-6 किलोमीटर है, थोड़ा लंबा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो अब कितना अच्छा नज़ारा नीचे की तरफ। तो अभी हम रास्ते में आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाएंगे, और सीधा ले चलेंगे आपको भूमियाल देव का मंदिर है मासी चौकड़िया में, मतलब बीच में रास्ते में पड़ता है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता कैसा होता है, तब तक के लिए बने रहिए। सो दोस्तों, ये है हमारी पहाड़ों की सड़कें, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, सामने ऊपर गाँव है। एंड अभी हम इस वक्त है श्यालदे के आसपास, जो कि नियर बाई है हमारे देघाट से, अराउंड कुछ 20 किलोमीटर के अराउंड है। पीछे से जो है बंदर लोग खिला रहे, दिखा सकते हैं। पहुँच रहा है, दिख रहा है। तो एक चीज़ अच्छी है यहाँ की गाइस, आप कहीं भी जाओ तो आपको मंदिरें हर जगह मिल जाएंगी, जैसे कि मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप, और हम ये जो है पड़ गया हमारा शालदे स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ये छोटा सा मार्केट है शालदे का, काफ़ी पहले आया था मैं, अभी इस टाइम पे आ रहा हूँ, एंड इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट ठीक है, ठीक ठाक है मार्केट। आप देख सकते हो यहाँ की जो बाजारें होती है ये ऐसी होती है। अब ज़्यादा कुछ बड़ा सामान चाहिए होगा तो लोग देघाटी आते हैं या फिर वीकेशन जाते हैं। तो ये है तहसील भी है हमारा ये शालदे। सो दोस्तों, जाना था मंदिर की ओर, पर अभी हम पहले नहा लेते हैं, हम मन किया इनका, क्योंकि यहाँ पे गाड़ पानी अच्छा खासा, तो सब सोच रहे नहाने के लिए। और हमने देखो क्या क्या ले रखा है, स्प्राइट 7 अप ले रखा है, और ये शैम्पू वैम्पू, ये लोग भाई शैम्पू के दीवाने, इनको बिना नहाए तेल लगाना और शैम्पू लगाने बिना इनको नहाए नहीं जमता। तो ये है कलाकार लोग, अभी हम नहाने का मूड है। बात ऐसी है, जो नीचे पानी बह रहा है ना उसमें ना लगता है छल, गाँव में थोड़ा चिल्लम चिल्ली ना करे, चिल्ला मतलब जो आवाज़ से जोर जोर से बोलते ध्यान से। और नीचे रॉ भी है, रॉ मतलब क्या होता है, जहाँ पे एकदम पानी का बहाव तेज होता है, बहाव तेज होता है और नीचे ज़्यादा गहरा होता है, तो उसे हम रॉ कहते हैं गांव में। तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए जिसको तैरना नहीं आता, नहीं तो लेके चले चले जाएगा अपने को, है ना, होता है कैसा। बिल्कुल यार, तो मुझे तो नहीं आता तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग को आ जाओ, तुम लोगों का हेड मैं हूँ ना, अपन बताएगा तुमको, चल गांव में जाके देखते हैं। तो गांव का अलग ही एक अपना मज़ा है यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले ऐसे किया है, अब ये झाड़ों के अंदर जा रहा हमारा कैमरामैन कैमरा लेके, पानी से जितना नहाना है नहाओ, फिर आ जाओ सीधा, और ज़्यादा गहरा वाली जगह जाना नहीं है भाई, क्योंकि हमारे साथ आ रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिल्कुल, कोई डूब के मर गया तो हम तो जाऊँगा भी नहीं बचाने, मैं भी नहीं जाऊँगा अभी बचाने, मैं मेरे को खुद ही तैरने आता, मेरे को खुद नहीं आता भाई, तो बचाने की बात तो दूर है। दीपू तो कैसे नहा रहा है, मैं तो किनारे पे नहाऊंगा भाई, रॉ में जा रहा है, मैं ना मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं नहा रहा है, मैं नहाऊंगा पर रॉ में नहीं जाऊंगा, मैं कोथिल की तरह नहाऊंगा, खुद कोथिल मतलब वो पता क्या होता है, चिड़िया। आ गया हमारा गार्ड,
एक्चुअली गाड़ को ना मुंबई में कुछ और ही बोलते हैं, समंदर नहीं वहाँ कुछ और ही बोलते हैं वो वर्ड को, मीनिंग को मराठी में। खैर छोड़ो वो सब। अरे है यार यहाँ पानी तो कितना गहरा है उधर आगे, वहाँ तो जाने नहीं है, मर जाएंगे वहाँ जाके। तो दोस्तों ये है पानी, इसमें हमने नहाना है। सो दोस्तों जो कि है हम पानी में उतर चुके, और ये हमारे राकेश भाई है सामने। अब आपको छलांग लगा के दिखाएंगे पत्थर में। छलांग नहीं लगाएंगे भाई। हाय हाय जो मजा है पानी देखो, वाटर अंदर ही दिखेगा भाई। गाय जिनने हमारे लिए खेवना पर ये चिप्स बहा के भेजे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये आया गाय सेवनप। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और खुद ना करो, खुद ना करो दूसरे को बोलो करने के लिए। सो दोस्तों फाइनली हमारा नहा के हो चुका है, अभी हम बढ़ते मंदिर की ओर, जो कि हमने अपना शुद्धिकरण कर लिया है, सब अपने अपने अवतार में आ चुके हैं। आप भी चाहते हो तो शुद्धिकरण करने आना, आ जाना यहाँ पे। और ये एक लूती जा रहा है आगे से। लूती हमारा ये है, मुंबई से आया है वो, और दूसरा कुकुर है, मतलब दोनों को मिला के लूती कुकुर बनता है। सो गाइस अभी हमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे, जो कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, और आपको नीचे दिखाते हैं कितना हाइट है इसकी, और जो नीचे नदी बह रही है उसको भी दिखाते हैं आपको, और ये देख सकते हो। सो दोनों साइड से आपको व्यू दिखाएंगे, ये देख सकते हो पानी का जो आवाज़ है ऊपर तक आ रहा है पूरा, और सामने से बस भी आते हुए। यहाँ से हमने जाना है सीधा मासी, लेफ्ट के लिए जो है रोड जा रही है मासी के लिए। अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास जो है मैंने वहाँ देखा था, 7 किलोमीटर है यहाँ से मासी। रोड घुमावदार है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, अगर सीधी रहती तो हम सब का पहुँच चुके होते अब तक। सो अभी आपको और भी बताएंगे, और सामने देख सकते हैं एक मंदिर है जो कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिन, बट बहुत ही मतलब वही कहा जाता है पहाड़ मंदिर देवभूमि, इसीलिए तो कहा जाता है, हर जगह आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो हम ब्लॉगिंग के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि मेरा जो सामने कैमरा मैन है वो गाड़ी में उल्टा बैठ रखा है, उसको डर भी नहीं करके मैं गिरूंगा, मुझे आगे वाला गिरा देगा, पर क्या करें पहाड़ है, ब्लॉगिंग करना अपने रग रग में, और चलते आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं मासी के बाजार, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल लिखा है। चौकटिया जो है अभी 13 किलोमीटर है, गैरखेत है 11 किलोमीटर, भूमियाल देव मंदिर जो हमारे सामने है, तो अभी ले चलते हैं आपको भूमियाल देव मंदिर के, और दिखाते हैं मंदिर ही बहुत ही प्राचीन है, इसके बारे में आप इसकी संस्कृति के बारे में तो जो भी आप पढ़ोगे सो वो आप इंटरनेट पर देख सकते हो, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है। मंदिर का मुख्य द्वार यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो चप्पल है वो अंदर ही उतार। घंटियाँ देख सकते हो कितने लगे हुए हैं, मतलब हमारे पहाड़ साइड में ऐसा होता है ना कि जब कोई कुछ भेंट करता है भगवान को तो वो घंटी और चुनरी के रूप में करता है, और बहुत कुछ होते देने के लिए, संघ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं मंदिर में भेंट करने के लिए, जो घंटियाँ हैं बहुत देख सकते हैं। और वैसे तो मंदिर पहाड़ों में बहुत सारे पाए जाते हैं, पर हर एक मंदिर की अलग अलग विशेषताएं हैं, जो कि यहाँ की भी है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, बट हाँ जो भी आपको वीडियो में दिख रहे हैं मंदिर कुछ इस प्रकार, तो व्यू देख सकते हैं हमें मंदिर का सामने का। तो जो चप्पल है यहाँ उतार के रखना है, कृपया वो दिखाओ। एप्पड़ देख सकते हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको ये मंदिर पे एप्पड़ कर रखा है, ये हमारी जो है संस्कृति है। सो चलते हैं आगे की तरफ। आपका भूमिया मंदिर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, स्वागत करते हैं, चलिए आगे की तरफ। यहाँ पे जो घंटियाँ बनी है यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार है। सो मंदिर कुछ इस प्रकार है गाइस, दोस्तों ये है यहाँ की घंटियाँ,
जो कि आप देख ही सकते हैं। और जो घंटियाँ हैं वो यहाँ पे भेंट की गई है, एंड जो जगह है पूरी वो घंटियों से, लाइक जब जब कोई शादीशुदा जोड़े में आता है तो वो चुनरी बांध के जाता है एंड घंटियाँ जो है वो भेंट करके जाता है कुछ इस प्रकार से। एंड ये मंदिर का बैक साइड है, पहले यहाँ का देख ले, यहाँ से जो लुक है वो अलग ही है कुछ। और जो नीचे है वो भी एक मंदिर है। सो ये है हमारे प्रिय राधा कृष्ण, जो कि देख सकते हैं आप। और ये है हमारे राम भगवान एंड सीता मैया, और लक्ष्मण जी और हनुमान जी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तो है गंगा मैया, यहाँ पे लिख भी रखा है। तो ये हमारे भोले बाबा का, एंड दोस्तों यहाँ से भी एक अलग ही लुक है। वाह, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जय भगवान। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, जो लोग नहा रहे हैं नीचे, और जो समुद्र का पानी है वो काफ़ी गहरा है। एंड जो है ये हनुमान जी का मंदिर देख सकते हो। जय बजरंग बली। और ये एक लुक है यहाँ का, ये मासी का फेमस मंदिर है। सब दर्शन करते हुए तो गाइस हम फोटो शूट कर रहे हैं। संजू भाई आप नहीं करेंगे फोटो शूट? फोटो शूट क्या करना, भगवान का दर्शन कर लो, वही सबसे बड़ा फोटो शूट हो गया हमारे लिए। सो दोस्तों यहाँ का जो व्लॉगिंग था वो समाप्त होता है। अभी हमें अगले दिशा की ओर जाना है, जो कि भिक्के सिंह के नियर बाई है, सिद्धिविनायक टेम्पल। हमारे उत्तराखंड में भी ये सिद्धिविनायक टेम्पल, वहाँ का हनुमान भगवान का भी मूर्ति है वहाँ पे, काफ़ी कुछ है, आपको दिखाते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं जो भी होता है। और एक बार जय भूमिहाल देवा।